हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आई आई गुवाहाटी के बारे में जिसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन आया हुआ है ठीक है बेसिकली ये जो पोस्ट है वो सीनियर जो एक्स सर्विसमैन है वही भर सकते हैं ठीक है इसमें मैंने पूरा बताया तो नहीं है मैंने क्या करा है शॉर्ट में बता दिया है और इसका कम्प्लीट पीडियब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट हब कानपुर में डाल दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है आ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं तो उतना पूरा आ नहीं पाएगा तो मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ बाकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं पहला तो द आई गुवाहाटी है ऑनलाइन अप्लीकेशन है फॉर्म ठीक अच्छा जो जो फॉर्म की स्टार्ट जो हो चुका है पंद्रह दिसंबर से और लास्ट डेट जो है चौबीस जनवरी है दो हजार बाईस अच्छा पहली जो पोस्ट है वो सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर की है एक पोस्ट है और जिसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो नॉट मोर देन 55 फाइव ईयर्स पचपन साल से ऊपर नहीं होना चाहिए दूसरी बात करते हैं सीनियर और टेक्निकल ऑफिसर की जिसमें तीन पोस्टें दी गई हैं नॉट मोर देन 45 फाइव ईयर्स पैंतालीस साल से ऊपर नहीं होना चाहिए तीसरी पोस्ट क्या है स्टूडेंट काउंसलर की है एक पोस्ट दी गई है और बिलो द 50 ईयर्स पचास साल से नीचे होनी चाहिए फिर फोर्थ क्या है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर सबसे अच्छी पोस्ट यही है एक ही पोस्ट दी गई है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर में एक पोस्ट दी गई है नॉट मोर देन फिफ्टी फाइव ईयर्स ठीक है अच्छा ये आप फॉर्म भराइएगा इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अगर मान लीजिए आपका निगेटिव पेपर निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है तो आप पूरा अटेम्प्ट करिए एक पोस्ट है ठीक है एक पोस्ट दो पोस्ट जो भी है अगर आप निगेटिव मार्किंग दे रहे हैं तो आप ये ऑब्वियस सी बात है आप पढ़े तो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे लेकिन अगर आप निगेटिव मार्किंग है तो पूरा पूरा अटैम्प्ट करिए हो या तो हो ही जाएगा या नहीं हो पाएगा ठीक है दोस्तों तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया है बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके देख सकते हैं स्टूडेंट हब कानपुर करके और ये फॉर्म जरूर आप भरिए ताकि अगर आपको अच्छा पे स्किल चाहिए तो ये आप भर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू